अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन चटकारा बोटी, जिसकी रेसिपी है ये। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चिकन ली हूँ, मैंने आधा किलो चिकन है, इसको ऐसी बोटी में कटवा ली हूँ। हम चटकारा बोटी बना रहे हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हरी क्रश करी हुई हरी मिर्ची, जितना आपको पसंद है उतना। ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्ची नहीं है। मैंने एक चम्मच चिली फ्लेक्स ली हूँ, ये भी तेज़ नहीं है, कम तेज़ है। और इसमें डालूँगी कुटा हुआ धनिया एक बड़ा चम्मच भर के, और ये है टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये है भुना हुआ जीरे का पाउडर। मैंने तवे पे थोड़ा रोस्ट कर ली थी, उसके बाद भून ली थी, और टेस्ट के हिसाब से नमक और ज़ीरा है। और एक चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन ली, बड़ा वाला एक चम्मच भर के अदरक लहसुन। चम्मच में डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर, आप अपनी चिकन के हिसाब से डालना, मेरी चिकन आधा किलो है तो मैं वो हिसाब से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा फूड कलर, अगर आपको डालना है डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए। इसमें डाल रही हूँ एक आधा लेमन, नींबू का रस हाथों से निचोड़ के डालेंगे ऐसे करके। ये आप बनाना एकदम मटन की जैसी ही बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है, मैं हमेशा बनाती हूँ घर में, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। एकदम डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ, उसको अच्छे से मिलाना है आपको। इसको अच्छे से मिला के फिर मैं आगे का आपको बाद में बताती हूँ। ये व्यूवर्स, अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच, इसलिए मैंने नमक कम डाली थी, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच सोया सॉस, और आधा चम्मच आधा नींबू का रस डाले, और आधे से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ विनीगर, ताकि अपनी चिकन एकदम इसमें टेंडर हो जाए और एकदम अच्छे से सॉफ्ट और जूसी हो जाए। मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच भर के तेल। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे 2 से 2.5 घंटा, अगर आपके पास टाइम है तो रख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। मैं आगे का आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, मैं इसको अच्छे से मिला के और बताती हूँ आपको। व्यूअर्स, ये मैंने पूरा मसाला मिला दिया, अब मैं इसको 2 से 2.5 घंटा रख दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, ये हमने मसाला लगा के रखे थे, अब मैंने ली हूँ ये कांडी, एकदम ज़बरदस्त चटकारा बोटी हम बनाएंगे। अभी मैं आपको इसको ऐसे कांडी में लगाएंगे, ऐसे सब लगा लेना है और ऐसे साइड में इसको रख देना है। आप बड़ी बड़ी बोटी लेना, छोटी नहीं, क्योंकि पकने के बाद चिकन और कम हो जाता है। आप चाहे तो बड़ी कांडी में भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे टूथपिक में लगा रही हूँ, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम अच्छा दिखता है। थोड़ी देर हम ऐसे लगाएंगे इसको, मैं सब लगा के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये सब मैंने कांडी में लगा ली हूँ ऐसे करके, और ये हमारी बच भी गई है, इसको मैं बाद में करूँगी, अभी मैंने इतनी कांडी में लगा ली हूँ। अभी मैं आगे का आपको बताती हूँ इसको फ्राई करने का तरीका। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने तेल गरम होने रखी हूँ, अब हम इसमें एक एक करके हमारी चिकन डालेंगे। चटकारा बोटी में बना रही हूँ, एकदम ज़बरदस्त बनती, प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी है। एकदम नए तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। चिकन टिक्का का आपने बहुत खाया होगा, ये बनाना घर के बेसिक से मसालों से बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है एकदम। प्लीज़ आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसको 2 मिनट ऐसे छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये इस टाइम पर ये चिकन को हम निकाल लेंगे थोड़ा, अभी ये पकी नहीं है, उसको मैं निकाल रही हूँ ऐसे। इसको निकाल के तेल ऐसे इसको रखेंगे हाथ में, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और ज़्यादा एकदम हीट आन देंगे तेल में, तो ये एकदम क्रिस्पी बनेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तेल में गर्म हो रही, मैं ऐसे इसको पकड़ के रखूँगी, तेल गर्म हो जाएगा तो फिर से हम इसको रिवर्स डालेंगे इसके अंदर, तब ये एकदम अच्छी क्रिस्पी और एकदम अंदर से मॉइस्ट बनेगी। ये देखिए तेल गरम हो गया, अब हम इसको वापस से इसमें छोड़ेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ऐसे डालेंगे। ये देखिए व्यूवर्स,
अभी हमारी चिकन हो गई। सिलो बिल्कुल नहीं करना, एकदम पास आँच पे करना है। देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी बना है। अभी बस अब मैं इसको निकाल रही, आज को सिलो करेंगे और इसको निकाल लेंगे, एकदम ज़बरदस्त। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ये व्यूवर्स, ये हमारी चिकन चटकारा बोटी बनके रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी लाजवाब बनी है। आप लोग इसे प्लीज़ बनाइए, घर पे खाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट और जूसी, आप मटन भूल जाएंगे आप इसको बनाएंगे तो। वो देख सकते हैं आप, प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक यू, दुआ आप में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।